गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने श्लोक का बर्थडे शूट किया, कुकू का बर्थडे शूट किया, उसके बाद सीधा मम्मी का बर्थडे शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे भी दिसंबर में ही आता है, जब 12 दिसंबर है। रात में मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी, मैं सही 12 बजे से 5 मिनट पहले ही सोई, क्योंकि मम्मी बहुत गहरी नींद में सो रही थी, वो भी 11:35-40 पर सोई थी, तो मुझे उन्हें उठाना सही नहीं लगा, तो वो पेस्ट्री ऐसी रखी की रखी रह गई। और मेरी बेटी जो है वो अभी सो रही है, ये भी 11:30 बजे मेरे साथ ही सोई थी। तो चलिए आप लोगों के साथ मम्मी को विश कर देती हूँ, हैप्पी बर्थडे मम्मी। रात तुम्हारा बर्थडे रह गया, तुम इतनी गहरी सो रही थी, मैंने तुम्हें उठाया ही नहीं, फिर मैं सो गई। सो गई 11:20 पर सोई थी मैं, 11:35 पर सोई थी। हाँ तो तुम्हें मैं उठाने वाली थी, मैं 12:05 थी मैं तब सोई, मैंने कहा फिर उठ गई तो फिर 1-2 घंटे ना सोएंगी, तो उठाती मैं तो फिर मैंने उठाया ही नहीं। मम्मी ये पेस्ट्री ऐसी की ऐसी रखी रह गई, फिर कोकी भी सो गया था तो मैं अकेली क्या करती, तो इसलिए फिर मैं भी नहीं उठी। मतलब मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही थी, मैं सोची थी मैं वीडियो एडिट कर लूँ फिर इन्हें उठा लूंगी, पर जैसे गहरी सो रही थी फिर मैंने इनको उठाया नहीं। तो दिसंबर में हमारे यहाँ बहुत बर्थडे आते हैं, मतलब अब बर्थडे खत्म हो जाएंगे मम्मी के बर्थडे के बाद, और फिर शुरू होंगे हमारे घर के बर्थडे 20 जनवरी से। 20 जनवरी को मेरे पापा का बर्थडे होता है, फिर शुरू होंगे 20 जनवरी से, फिर 28 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी, फिर 15 मई को मेरा, फिर तो हमारी बाबू का भी आ जाएगा। पूरी नींद ले रही है वो भी 11:30 बजे सोई थी, वैसे थोड़ी सी मैंने उसको दवाई दी हुई है, क्या पता उसका असर भी हो। और धीरे धीरे अरू को मैंने थोड़ा सा ऊपर का फीड कराना शुरू किया है, वो भैंस का दूध पी रही है आजकल, और पी भी मैडम बिना पानी का रही है, मतलब पानी मिला रही है ना तो निकाल रही है, ज़्यादा नहीं पी रही, पर मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर पी रही है, मतलब जब मूड होता है तभी पी रही है, जैसे कभी मैंने दे दिया तो पी लिया, पर यह है कि थोड़ी थोड़ी आदत बना रही है कि 1% मैं स्कूल जाऊँ तो उसको आदत रहे, और इस बहाने ये अच्छे से दूध ले रही है, और मतलब अच्छे से ग्रैप कर रही है उसको, क्योंकि मैंने इसकी आदत देखी है, मैं इसको फीड कराती हूँ ही हा हा करके, ये अच्छे से फीड नहीं लेती, जरा सी देर दूध पी के और हंसने लग जाएगी और छोड़ देगी। ये उठेगी तो मैं इसके थोड़े से कपड़े वपड़े चेंज करूंगी, कल मैंने इसको नहलाया था यहाँ पे, मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन नहला रही हूँ, मैं इसको डेली नहीं नहला रही। तो चलिए इसको कोकी के स्कूल जाने का टाइम है और उसको फ्री करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गुड इवनिंग गाइस। तो मम्मी के जो बर्थडे की डेकोरेशन थी, पहले मैंने सोचा था हॉल में ही सेलिब्रेट हो जाएगा, बट हॉल में बच्चों ने बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं छोड़ी। श्लोक के कुकू के बर्थडे पे सारे बलून्स फोड़ दिए, तो मैंने मम्मी के थोड़ी सी डेकोरेशन ही ऐसे करी है, मतलब लगना तो चाहिए घर में बर्थडे है। और फिर है ये हमारी गुड़िया, ये है सानवी। सानवी हाय कर दो, बोलो हाय सब। हाय सब, कैसे हो? कैसे हो? मैं सानवी हूँ। तो अब मैं खाना बनाऊंगी, खाना में मैं आलू पूरी बनाने वाली हूँ, कल मैंने छोले भटूरे बनाए थे तो सोचा आज आलू पूरी बना दूँ, बहुत सिंपल सी डेकोरेशन, बहुत अच्छी लग रही है। फिर बारी आती है केक की, एक्चुअली मम्मी बाहर का केक नहीं खाती हैं, तो मैंने सोचा था पहले तो मैं हलवे वाला केक बना दूंगी सूजी का, फिर मुझे गाजर दिखाई दी तो मैंने बहुत ही सुंदर सा गाजर के हलवे वाला केक बनाया है, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये केक मैंने बनाया, इसको सब खा भी सकते हैं क्योंकि पापा भी हमारे बिल्कुल केक नहीं खाते, और हमने श्लोक और मैंने सुबह ही पेस्ट्री खाई थी, अभी मम्मी अरु की जो है जर्सी बना रही हैं, और मैं कंप्लीट कर लो पहले। ये तो इसकी बाजू अभी रह रही है, बाजू बना रही है मम्मी। ये जर्सी अरू की बनी, इसमें तितलियां हैं, और इस जर्सी के साथ के मोजे मैंने बनाए हैं, एक मैंने बना लिया, एक अभी रह रहा है, और देखिए अरू के ग्लव्स भी मैंने ही बनाए हैं, मुझे ऊन के ग्लव्स बनाने थे अरू के ऐसे, तो ये मैंने बनाए हैं। मुझे इतनी सिलाई सॉरी बुनाई आती है, तो मम्मी को पहनाएंगे हम एक पैंट वाला सूट जो मैं लेके आई थी, अगर वो उनके फिट आ जाएगा तो उसको पहन लेंगी। चलो तो आज मैं कुकू के बर्थडे का व्लॉग भी एडिट करूंगी, जो अभी नहीं हो पाया क्योंकि मैं अरु के ग्लव्स और मोजे बनाने में लग रही थी। मैं अरु का टोपा भी बनाऊंगी, टोपा बनाऊंगी इसका चुटिया वाला। निकालो,
ये सानवी है, ये हमारे घर में नीचे रेंट पे रहते हैं। तो ये अरु के पास आती है, अरु इसको देख के बहुत खुश होती है। अरु सानवी खिलाइए अरु को, ऐसे आवाज लगा। अरु सानवी कहाँ है? सानवी देख अरु, अरु आजा आजा। अरु का ध्यान अभी कैमरे पे आ जाओ। तो अभी खाना बनाना है, बट श्लोक को सामान लेके आएगा, खाना बनाऊंगी तब। बर्तन भी काफी सारे कटे हो रहे हैं, आज लाइट नहीं आ रही है तो पानी भी नहीं आया है। अभी मम्मी लगा रही है हेयर ऑयल, आज इन्होंने सर धोया था। साढ़े पांच हो गई है, धीरे धीरे काम करेंगे। हल्की हल्की डेकोरेशन अच्छी लग रही है, छोटी सी डेकोरेशन। अरु के अभी कुछ नहीं लगाएंगे, अरु सुबह नहाई थी उसके सब लग गया। सो गाइज, ये सूट मैं मम्मी को देने के लिए बोल रही हूँ, पर मम्मी इसको मना कर रही है। अब देखिए आप खुद कितना अच्छा लग रहा है इन पे। तो और ये मैंने भी खरीदा था, बट मम्मी के बिल्कुल अच्छे से फिट आ गया, तो मैं इनको कह रही हूँ कि आप ले लो, बाकी अगर उनको पसंद आएगा वो ले लेंगे। और ये हल्की सी डेकोरेशन, क्योंकि अभी आया उसका थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, पूरा दिन उसका ऐसा ही चला जाता है। वो सुबह 8:30 बजे का स्कूल गया, वो 3:30 बजे वापस आता है, और उसके बाद फिर ट्यूशन जाता है। मम्मी के फोटो खींचेंगे अब हम। हैप्पी बर्थडे टू यू, सामने ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिला दे मम्मी को भी, खिला दे, पहले वो खिला देगा ना। अच्छा लग रहा है सानवी केक? हाँ। कर दे ऐसे। अब बनाते हैं हम खाना। खाने में बना रही हूँ भंडारे वाले आलू, और मैदे की पूड़ी बना रही हूँ, और प्याज के छल्ले बनाऊंगे। चलिए तो गुड मॉर्निंग गाइस, मम्मी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। आज मेरे बाबू की जर्सी तो देखो बाबू, इसमें कैसी लग रही है, मतलब मुंह कितना छोटा सा लग रहा है इसका। ये वाली जर्सी मम्मी ने ही बनाई है, इसके लिए मैंने बोला था मुझे इस तरह के फैदर की जर्सी बहुत पसंद है। हमने अपने श्लोक को भी पहनाई थी, और भी मम्मी ने कई जनों के लिए बनाई थी, तो मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाई है। इसकी कैप मैं अब बनाने वाली हूँ। मैंने आरू के सॉक्स भी कंप्लीट कर दी है, अब उसकी कैप की बारी है। इतनी सुपर क्यूट लग रही है ना ये, और उनको भी ये बहुत पसंद आई। तो हम दोनों को कोशिश करूंगी, या मुझे याद रहा तो जब मैं घर जाऊंगी इसको यही पहना के लेके जाऊंगी। ओके बेटा, ओके बेटा, हच के तो दिखा दो एक बार। मम्मी बोलती है अरु, तो एकदम देखती है मम्मी, कहती है इसको पता है इसका नाम अरु है तुम्हें पता है? उधर मम्मी सो रही है, इधर कोकी सो रहा है। कोकी आज स्कूल नहीं गया, इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, वही सर्दी वगैरह थोड़ी सी। अरु को भी है सर्दी, तो बट इसको मैं मेडिसिन दे रही हूँ, तो बिल्कुल मतलब दिन में बिल्कुल ठीक रहती है। रात में जब उठ के सुबह आ रही थी, थोड़ी सी इसकी सर्दी का ऐसे असर सा दिखाई देता है। वो तो वैसे इस समय सबको ही रहता है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल बढ़िया, अभी सोकर उठी है, फ्रेश फ्रेश मूड में है। क्यों रू? तो मैं इसको घुमा रही थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर ले। चलिए तो बाय बाय कर दो शिव को, बाय बाय कद्दू बेटा, बाय बाय कद्दू। कैमरे को देख के तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना, बिल्कुल चुप। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो मेरे व्लॉग्स जो हैं प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अरु की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। थोड़ी सी क्या, उसको हल्की सी सर्दी है बस,
क्योंकि यहाँ के मॉल में वहाँ के मॉल में थोड़ा सा फर्क है, जबकि यहाँ तो मैं अरु को डेली नहलाती भी नहीं हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ। कल मैंने उसको नहलाया था, दोनों टाइम में उसको दवा दे रही हूँ। अभी मैंने उसको जस्ट उसके कपड़े वगैरह चेंज करके और हल्का सा उसको धूप में लेके गई थी, वो तुरंत सो गई। आज वो सुबह 6 बजे उठ गई थी रात, क्योंकि वो जल्दी सो गई थी, वरना 12 बजे सोती है तो 9 बजे तक उठती है सुबह। 6 बजे वो उठ गई थी तो मैं भी उठी गई उसके साथ में। अब 9:45 सो रही है, सब कुछ खत्म, बस मुझे नहाना बाकी है। रू सो गई है तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। और जिनके भी बच्चे की पहली सर्दी है, जैसे मेरी बेबी की पहली सर्दी है, सब मुझे कह रहे थे बचा के रखना बचा के रखना ये वो, बट मेरा मानना ये है कि अगर सर्दी है तो थोड़ी बहुत बच्चे को बेशक लगेगी ही। जब बड़ा इतना कवर करके रखता है वो नहीं बच पाता, तो छोटा बच्चा तो कैसे बचेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत जो है कि उसको साथ साथ क्योर करते रहो। मैं उसको दोनों टाइम खांसी की दवाई देती हूँ और उसको कोल्ड की भी दवाई चल रही है। और मैं उसको जो एक काम करती हूँ, जैसे तेल में या फिर घी में नमक मिक्स करके और उबाल के जब ठंडा हो जाए उसके हाथ पैरों की मालिश कर देती हूँ, जिससे उसके कफ नहीं जमता। तो वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ी बहुत सर्दी का असर है तो इतना मुझे नहीं है। मैं सोच रही हूँ वो एक बार बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि एकदम से फिर मैं उसका माहौल चेंज करूँ तो उसकी तबीयत और ख़राब ना हो जाए। थोड़ा सा उसकी तबीयत स्टेबल हो जाएगी तो मैं फिर जाऊँगी। और अभी मेरा डिसाइड भी नहीं है संडे जाऊंगी या नेक्स्ट संडे जाऊंगी, बट नेक्स्ट वीक श्लोक के पेपर हैं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसको डिस्टर्ब हो। वैसे अरु शोर तो नहीं मचाती, बट फिर भी बच्चे के साथ जो है घर का माहौल थोड़ा अलग होता है, बच्चे के अलावा थोड़ा अलग होता है। अभी अरु ने फीड लिया है, दिन में वो 1.5 बोतल के आसपास पी लेती है अब ऊपर का दूध। पर कुछ चीज़ें मैंने उसकी देखी हैं, उसने गाय का दूध नहीं पिया, फुल क्रीम नहीं पिया, यहाँ पे वो भैंस का दूध पी रही है। और अभी देखो 5 महीने की कल होगी तो वो भैंस का दूध पी रही है। और मतलब मैंने देखा भैंस का दूध बच्चों को जल्दी से सूट नहीं आता, और मैडम बिना पानी का पी रही है। बिना पानी मतलब बहुत से क्या करते हैं, जैसे मम्मी जब वो आता है दूध, हमारी मम्मी पानी बहुत ज़्यादा मम्मी मिक्स करती है, थोड़ा बहुत पानी लगाती हैं, और उसके बाद जैसे बच्चों को आधी बोतल दूध है तो आधी बोतल पानी करके देते हैं सुषुम्ना के, उसे डाइजेस्ट हो जाए। मैंने अगर उसको पानी डाल के दिया तो उसने नहीं पिया। 2-3 दिन मैंने ऐसे ट्राई किया, मुंह में लगाया साथ के साथ निकाल दिया, फिर मैंने उसको बिल्कुल लाइट सा पानी डाल के दिया और वो फटाफट पीती है। थोड़ा गर्म दूध पीती है, बिल्कुल ठंडा दूध या हल्का गुनगुना दूध नहीं पी रही है, थोड़ा सा गर्म मतलब हल्का सा जो पिया जा सके ऐसा गर्म दूध पी रही है। थोड़ा मीठा दूध पी रही है, मतलब थोड़ा सा मीठा ज़्यादा, बट मुझे यह है कि थोड़ी धीरे धीरे उसको ऊपर के दूध की आदत लग रही है। वो बोतल से फीड ले रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो दिन में वो 1 से 1.5 बोतल दूध पी रही है। बाकी मैं उसको अपना फीड कराती हूँ फिर, बट थोड़ी सी मेरे को टेंशन है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी उसकी लूज़ है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी रहे। मुझे पता है कि ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं और क्योर करने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मम्मी और पापा सब उसके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान का तो ऐसा होता है, कहते हैं ना मांस की जुबान है, चला देते हैं सब, तो वो वाली चीज़ है। बट अरु जो है काफ़ी स्टेबल है अब, मतलब अब सो रही है। जैसे मैं उसको धूप में लेके हर दिन आँख बंद करी और सो गई। तो ये मम्मी के बर्थडे का व्लॉग था जो मैं अब डाल रही हूँ। कल अरु का 5th बर्थडे है, वो भी सेलिब्रेट करेंगे तो वो भी डालेंगे। देखते हैं अगर परसों अरुण का आना हुआ तो कल उसका बर्थडे व्लॉग कल आ जाएगा, वरना परसों। तो चलिए आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।